वेलकम बैक टू द चैनल रूपल माथुर एंड हैप्पी होलिका दहन टू एवरीबडी। सो आज है 7th मार्च एंड हमारे यहाँ पे आज होलिका दहन है। बहुत लोग जो राजस्थान है, कल हो चुका है और आज 7th को होली है। सो अभी हमारे कॉलोनी में ना पीछे एक गार्डन बना हुआ है जहाँ पे मोस्टली सारे फंक्शंस होते हैं। सो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं पूजा के लिए। अभी हो रहा है 7:45 एंड वहाँ पे 8 o'clock फंक्शन शुरू होगा। सो मैंने हेयर पर से ऑयलिंग करके पोनी बना ली है, ये टॉप पहना है, इससे कलर निकल जाता है, एंड ब्लैक लेगिंग्स और मेरा थोड़ा सा पेंडेंट मैंने पहना हुआ है। सो अभी फ़िलहाल मुझे गुलाल लेना है। सो यहाँ पे मैं अपनी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ होली के लिए, कलर स्मोक बॉम्ब्स, कलर और ये सब कुछ। सो नानी ने गुलाल मंगवाया है, सो अभी मैं रेड और पिंक कलर का लेकर जाती हूँ एंड देखते हैं मुझे कौन सा पसंद आएगा यूज़ करने के लिए। सो लेट्स गो। मेरे पास ये पैकेट के गुलाल हैं श्री गणेश के, और मेरे पास में ये वाले गुलाल्स भी हैं, ये मुझे मम्मा को होटल से मिले थे ऐसे बहुत सारे। सो इसको भी और इसको भी ले चलते हैं, देन देखेंगे नानी को कौन सा यूज़ करना है। सो लेट्स गो। अभी हम लोग पीछे से होलिका दहन देखकर आ सके एंड ये देखो मेरे हाथ ना, गुलाल को हाथ से धो लो ना अगर पानी से तो वो कलर थोड़ा लग ही जाता है। फेस वेस पे तो मैंने फिर भी एक हैंकी की मदद से हटाया था, और टॉप पे भी तो वो हट गया अच्छे से, तब भी थोड़ा थोड़ा रह गया है बट वो कल हट जाएगा। सो अब मैं आपसे डायरेक्टली मिलूंगी कल बड़ी होली पे। सो जस्ट इन केस मैं आपको बता देती हूँ FYI कि मैं पिचकारी से होली नहीं खेलती हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों बस उतना मज़ा नहीं आता पिचकारी वाली होली खेलने से। मुझे वाटर बलून्स, कलर स्मोक बॉम्ब्स और गुलाल से होली खेलने में बहुत मज़ा आता है। सो चलो मिलते हैं आपसे। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सो अभी मैं जा रही हूँ बाहर होली खेलने। सो ये देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने रंग बरसे की टी शर्ट पहनी है, ब्लैक लेगिंग पहनी है, और ये कवर के अंदर मैं अपना फ़ोन रखूँगी ताकि मैं थोड़ी थोड़ी देर में व्लॉग कर पाऊँ, ताकि ये वाटर से बचा रहे मेरा फ़ोन। और मैंने अपना स्पेक्स चेंज कर लिया क्योंकि मेरे हल्के से लाइक पीची ट्रांसपेरेंट है, तो उस पर कलर लगेगा तो वो हटेगा नहीं। बाल पे एकदम अच्छे से ऑयलिंग करके एक टाइट पोनी बनाइए ताकि कलर अच्छे से निकल जाए। सो अभी चलो चलते हैं बाहर। सो गाइस अभी मैं ऊपर आ चुकी हूँ एंड ये कलर मैंने 3 बार फेस वॉश करके हटाया है, बट ये पक्का कलर है कान वान हर जगह से, ठीक है, तो इसको बहुत मेहनत से हटाना पड़ेगा। मैंने पहले ऑयल से भी हटाया था बट तब भी नहीं हटा हुआ अच्छे से। मेरी टी शर्ट पूरी वाइट थी, अब देखो किस कलर की हो गई है। लेकिन जो भी हो बहुत मज़ा आया। पहले हम लोगों ने फूलों की होली खेली, देन बीच में स्नैक्स थे, फिर कलर्स की होली खेली, कलर स्मोक बॉम्ब सब कुछ था। मैं आपको सो अभी मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद। सो सबसे पहले मैं जाऊँगी नहाऊँगी, फिर रेडी होंगी और फिर मैं आपको नहा के मिलूँगी। सो गाइस अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड बहुत सारा कलर निकल चुका है अच्छे से। मैं 1:15 पे नहाने चली गई थी एंड अब 2:15 हो रहा है, तो मतलब देखो एक डेढ़ घंटा लगा के नहाया है मैंने, बट पूरा कलर अपने से अच्छे से हटा लिया है। सो मैं सोने जाने वाली हूँ क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही है। जो कलर्स के अंदर ना केमिकल्स तो होते ही हैं, तो ना उनसे बहुत आपको नींद आती है, तो मुझे भी वही सेम चीज़ हो रही है। सो अभी मैं सोने जा रही हूँ, फिर मैं आपको सो के उठ के मिलूँगी। बाय।
फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।